हे hey दोस्तों, आज हम ड्रॉ करेंगे एक प्यारा सा वाइल्ड एनिमल मंकी को। तो इस प्यारा से मंकी को बस 13 या 14 स्टेप में ही हम आसानी से ड्रॉ करने वाले हैं। तो फिर आइए देखते हैं इस क्यूट मंकी को कैसे हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेस के लिए एक माउथ का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम। अभी कान के लिए भी एक आउटलुक लेते हैं। लेफ्ट राइट दोनों कान के लिए। जो बॉडी होगा, बॉडी यहाँ पे जो सेंटर लाइन है इसे मेंटेन कीजिए और इस साइड से छोटा हाथ दीजिएगा। बंदर का बॉडी ज़्यादा नहीं होता। हम हाथ ड्रॉ करेंगे। हाथ जो है ना वो बॉडी से लंबे होते हैं, इसलिए ये जो बॉडी का मेजरमेंट है इससे थोड़ा लंबा करके इधर एंड होगा हाथ का। तो यहाँ से मुट्ठी का एक स्ट्रक्चर लेते हैं, फिर ऊपर वाला जॉइंट और उससे ऊपर वाला एक जॉइंट। ऐसा करने से नीचे से ऊपर तक मेजरमेंट सही रहता है। और ऊपर वाला हाथ भी अभी ड्रॉ करते हैं। दो हाथों का पोजिशन तो साइड से दिखाएंगे तो फिर दिखने में अच्छा लगेगा। ये हाथ कान के ऊपर ओवरशैडो कर लेगा। अभी लेग्स ड्रॉ करेंगे। लेग्स आगे रहेंगे। जो हिस्सा मुड़ जाता है ये वो वाला हिस्सा है। और अभी पैरों के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर। अभी इसमें दूसरा, क्योंकि ये बैठा हुआ है तो फिर उसी हिसाब से ही कीजिएगा। लगभग लगभग आउट बॉडी जो है वो तैयार हो चुका है। अभी पूछ भी ज़रूरी है, बंदर का पूछ ही मेन रहता है। पूछ बाद में इसे पूछ देंगे। बस ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा, बराबर का एक सांप जैसा मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। अभी जो आता है फेस का बारी आता है, फेस को हमें एक आउटलुक देना है। बंदर का जो जॉ है, क्योंकि छोटा बच्चा है इसलिए क्यूटनेस बरकरार रखने के लिए एक जॉ लेते हैं। फिर उसके बाद ऊपर तक जाएंगे। अभी जो अंदर वाला हिस्सा है उसे ड्रॉ करना है। मिड लाइन से नोज जो है, नोज के लिए ये वाला पोर्शन बेस्ट है। और एक केला जैसा, एक हाफ मून जैसा ड्रॉ करेंगे ताकि वो जो मून है उसे दर्शाए, स्माइलिंग सा फेस रहेगा। और अभी आंखें, आंखों को देखना आप। यहाँ जो नाक है, नाक के ऊपर तक आएगा। आंखें बड़ी बड़ी और गोल गोल देंगे तो फिर ज़्यादातर क्यूट रहता है जो भी एनिमल आप ड्रॉ करेंगे। और अभी कान, कान जो है ये नीचे एक छोटा सा होगा, फिर उसके बाहर मेन जो आउटलुक है वो इस साइड में भी सेम, और उसके बाद जो आउटलुक है याद रखिएगा, ये जो हाथ है वो कान को ओवर शेडो कर लेगा थोड़ी देर बाद ही। अभी जो बॉडी है को हम ठीक तरीके से एक आउटलुक देंगे।
पहले आता है यहाँ पे हाथ, ये ऊपर वाला हाथ, कोहनी को स्मूथ तरीके से लीजिए। यहाँ से छोटी उंगली बड़ी उंगली सभी, और नीचे भी सेम। अभी हम लेग्स को ड्रॉ करेंगे। ये जो कोहनी वाला हिस्सा है यहाँ पर जाएगा, और ये यहाँ पर जाएगा, और वैसे ही ये वाला भी है। बात में करेंगे पेंट की मदद से। अभी जो हमारा मुंह वाला स्ट्रक्चर है, क्यूटनेस और थोड़ा क्यूटनेस, फिर इसको थोड़ा ब्रिक करते हैं, और उसका जो जॉ लाइन है वो यहाँ से देंगे। लगभग कंप्लीट हो चुका है हमारा मंकी। अभी क्या करना है, एक पेन लेना है, और पेन की मदद से पूरे आउटलुक को एक स्ट्रक्चर देंगे हम, ठीक है। अभी है हमारा पेन का काम पूरी तरीके से। अभी इसे पोंछ लेना है। लगभग हमारा गोलमोलू सा एक बंदर तैयार हो चुका है। अभी इसमें छोटे छोटे डिटेलिंग करेंगे। अभी थोड़ा पेंसिल से वहाँ से शेडो कर देते हैं। तो कंप्लीट हो चुका है हमारा मंकी। तो अब कंप्लीट हो चुका है हमारा मंकी, प्यारा सा मंकी जो करता है अपनी मंकी।